इंग्लिश खत्म होगी यहीं पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमन मिश्रा, बी एम एस थर्ड ईयर स्टूडेंट। मैं आज आपको कॉलेज टूर करवाऊंगा। कोई ऐसा वैसा कॉलेज नहीं, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज, फर्स्ट ऐसा कॉलेज जिसने बीएमएस की पढ़ाई शुरू की थी। 1898 में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी 124 साल पुराना कॉलेज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए तो फ्रेंड्स, ये कॉलेज का गेट, मेन गेट है, और ये फार्मेसी है। कॉलेज के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और ये है ओवरऑल व्यू। पार्किंग है, कार वगैरह पार्क कर सकते हैं। इस साइड है बाइक की पार्किंग, वहाँ पे आप बाइक पार्क कर सकते हैं। और अगर कॉलेज के ओवरव्यू की बात करें तो ये मेन सिटी में ही आ जाता है। ये आप पुल देख रहे हैं, सामने है फाटक उस साइड, उधर ही सारे कॉलेजेस, डीएवी कॉलेज, डेविएट कॉलेज, सारे जस्ट पास पास में ही है, तो मेन सिटी में ही आ जाता है। जैसे एंट्री की, ये है हर्बल गार्डन। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है द्रवगुण, तब हमने ये प्लांट्स पढ़ने होते हैं। ये है कॉलेज का हॉस्पिटल। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि कॉलेज में ना, मेनली पंजाब के कॉलेजेस में ऐसा है कि हॉस्पिटल काफ़ी दूर होते हैं कॉलेज से, 1-2 किलोमीटर की दूरी पे, तो स्टूडेंट जा ही नहीं पाते हॉस्पिटल। इस कॉलेज में ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल पहले, कॉलेज आगे अंदर जाके, तो आपका जब भी मन करे आप जा सकते हैं हॉस्पिटल, पेशेंट देख सकते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे हम इस साइड चलेंगे पंचकर्मा सेंटर आता है यहाँ पे। कॉलेज में ये चीज़ बहुत अच्छी है, पंचकर्मा सेंटर, हॉस्पिटल एंड फार्मेसी हर चीज़ है अवेलेबल। सो आप ये देख रहे हैं सामने, ये है पंचकर्मा सेंटर। हॉस्पिटल, पंचकर्मा सेंटर एंड फार्मेसी का टूर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी आपको कॉलेज का टूर करवा देते हैं। ये इस ब्लॉक में चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर से यहाँ कैसा है। सबसे पहले ये लाइब्रेरी आ जाती है कॉलेज की। लाइब्रेरी दिखाते हैं सर। गुड आफ्टरनून सर। ये लाइब्रेरी दिखा देते हैं आपको ऊपर भी। हेलो मैम, हाय बोल दीजिए। ब्लॉग है ये, हमारे सीनियर है फोर्थ ईयर के। एंड ये लाइब्रेरी अभी तो फिलहाल खाली है, वैसे ही काफ़ी रश रहता है लाइब्रेरी में। तो चलिए लाइब्रेरी से बाहर चलते हैं। योगा हॉल अब यहाँ पे चलते हैं, ये लाइब्रेरी थी साथ ही में, तो चलिए चलते हैं अंदर। ओहो, यहाँ पे योगा चल रहा है। या दर्श हेलो कर रहे हैं आपको। गौरव तू तो योगा करने लगा। अमन, अमन क्या बताऊँ, फिटनेस के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है? ओह माय गॉड, योगा प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ, सो आई विल सजेस्ट यू, यू शुड हैव टू। इंग्लिश खत्म होगी यहीं पे। स्वस्थपुरी का डिपार्टमेंट, अंदर से भी आप आपको दिखा देते हैं। यह है स्वस्थपुरी का डिपार्टमेंट, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। आप यहाँ पे लगेंगी प्रैक्टिकल क्लासेस आपकी। तो चलिए आगे चलते हैं, आपको सारे दिखा देते हैं डिपार्टमेंट कौन कौन से इधर। ये गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, खाली है। ग्रीनरी देख रहे हैं, काफ़ी मेंटेन है। ये डिपार्टमेंट है अगर टॉक्सिकोलॉजी का, यहाँ से आगे से दिखा देते हैं आपको। थर्ड ईयर का ये भी। एंड ये है अकाउंट ऑफिस, फीस वगैरह पेमेंट के लिए। ये है चरक का डिपार्टमेंट। एंड ये है प्रिंसिपल सर का ऑफिस। हेलो सर। ये जनरल ऑफिस है। एंड ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो यहाँ से अब आगे चलते हैं, यह व्यू देख रहे हैं यहाँ पे।
तो ये है कॉलेज की बिल्डिंग, आ जाइए उधर लेके चलते हैं आपको। ये है वॉलीबॉल कोर्ट एंड ये है हमारा कॉलेज का ग्राउंड। ये है कॉलेज ग्राउंड। चलते हैं बिल्डिंग में। ये सामने अभी हमारी क्लास है और इसमें एग्ज़ाम हो रहा है सप्ली का, तो वैसे थर्ड ईयर यहाँ पे लगती है और ये सेकंड ईयर की क्लास है। इस साइड है वॉशरूम एंड ये है हमारा ऑडिट। पहले क्लास में चलते हैं। तो फाइनली ये है हमारी क्लास। तो ये है हमारी क्लास। तो यार ये देख रहे हैं आप लोग क्लास, एक तो पहली अच्छी बात एसी चार लगे हुए हैं गर्मी के लिए सबसे अच्छे, और ये कोटेशन आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छी अच्छी है यहाँ पे। तो चलिए स्टूडेंट से पूछते हैं कॉलेज के बारे में, कॉलेज कैसा लगा आपको? चलिए साक्षी कॉलेज के बारे में कुछ बताइए आप। कॉलेज मैंने ऐसा कॉलेज मतलब सोचा भी नहीं था कॉलेज इतना अच्छा होगा, मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ी कॉलेज है। चलिए ईश्वी के पास चलते हैं। ईश्वी कॉलेज के बारे में कुछ बताइए आप। श्रेया कुछ बताइए कॉलेज के बारे में। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल। चैनल को सब्सक्राइब ना करो। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? डोरियम मैं चल के दिखाता हूँ आपको। फिलहाल अभी बंद है लेकिन वीडियोस में आपको मैं इसकी वीडियोस डाल दूंगा जो ऑडिटोरियम अंदर से आई। चलते हैं इस साइड पे, वो लास्ट क्लास फोर्थ ईयर है। बाकी ऊपर हमारे डिपार्टमेंट है द्रवगुण का, रस का और शल्य डिपार्टमेंट है, वो फोर्थ ईयर की क्लास है। इधर एग्ज़ाम है तो इधर अभी हम नहीं जाते हैं। चलते हैं ऊपर, आपको अभी डिपार्टमेंट दिखाते हैं चल के। ये फोर्थ ईयर का डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट है शल्य, उसका डिपार्टमेंट है ये। आगे है द्रवगुण का डिपार्टमेंट, ये सेकंड ईयर में सब्जेक्ट है, तो ये भी आपको दिखा देते हैं फटाफट से। ये द्रवगुण का डिपार्टमेंट है, बाहर ही से चलते हैं अंदर क्लास। तो चलिए ये आगे है वहाँ पे, वो है रस का डिपार्टमेंट, वो आपको दिखा देते हैं। और यहाँ से कॉलेज का व्यू दिखा देते हैं पहले आपको। ये ऊपर से देखिए कॉलेज का व्यू, कितनी ग्रीनरी मेंटेन की हुई है, बहुत अच्छा व्यू है। अभी खाली है फिलहाल, जैसे ही ठंड आएगी सब आपको ग्राउंड में ही धूप सेकते हुए मिलेंगे फ्री टाइम में, ब्रेक या वैसे। ये पीजी की क्लासेस हैं। पीजी की क्लास है ये, द्रवगुण पीजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पे पीजी की एमडी की क्लासेस लगती हैं। ये पंचकर्मा, ये वॉशरूम, और ये हमारा रस का डिपार्टमेंट है, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है। टीचर सभी है नहीं, चलो आपको अंदर से दिखा देते हैं। हेलो
ये रश डिपार्टमेंट है, सेकेंड ईयर में यहीं पे लगेंगे। प्रैक्टिकल का व्यू है देख सकते हैं आप, यहाँ ऊपर टेरेस है, अभी बंद है तो नहीं जा सकते हम। चलिए नीचे चलते हैं और आपको फर्स्ट ईयर ब्लॉक में ले चलते हैं, डाइसेक्शन हॉल दिखाते हैं वहाँ पे एंड फार्मेसी भी दिखा देते हैं बाहर से। कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे, हमें अलाउड ही नहीं किया जा रहा जाना, एग्ज़ाम चल रहा है सप्ली का। तो अभी हम आपको फर्स्ट ईयर ब्लॉक में ले चलते हैं। चलिए फर्स्ट ईयर ब्लॉक की तरफ चलते हैं, जल्दी से आपको दिखा देते हैं सब। ये फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग है पूरी, ये नेट लगा है बैडमिंटन। यार एक चीज़ आप देखोगे कॉलेज में, इसमें ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है, हर तरफ पेड़ और मेंटेन किए हुए हैं हर चीज़। तो ये है एंट्रेंस, चलते हैं एंट्रेंस से आपको ले चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर क्लास, ये है एनाटॉमी का डिपार्टमेंट और ये है मेन डाइसेक्शन हॉल जो सबको इंटरेस्ट होता है इसको देखने के लिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डाइसेक्शन करते हैं हम लोग। यहाँ पे परमिशन नहीं आने की, मैं स्पेशली आपके लिए आया हूँ आपको दिखा सकूँ इसलिए। तो ये है, चलिए बाहर चलते हैं, लाइट तो ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं एंड ये है म्यूज़ियम जहाँ पे सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप, आई बॉल, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईयर, थायराइड ग्लैंड, किडनी, स्प्लीन, ब्रेन, स्टमक, सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं। जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तब इन्हीं के थ्रू हम पढ़ते हैं। यहाँ पे भी हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लैरिंग्स, पेनक्रियास, किडनी, स्टमक, सारे ऑर्गन्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप, लंग्स हर तरफ हैं, सेरिबेलम। तो चलिए चलते हैं ऊपर, अब चलते हैं ऊपर। ऊपर दो डिपार्टमेंट है, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, वो आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी की लैब है ये, यहाँ सारे प्रैक्टिकल्स हमें करवाए जाते हैं, सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, खाली है फिलहाल अभी। चलिए अब आपको फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट दिखाते हैं। ये है अभी फ़िलहाल बंद है, ये पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाए जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर क्लास को अभी यहाँ शिफ्ट किया गया है, यहाँ इनकी क्लास चल रही है, तो ये आपको बाद में दिखा देंगे। एंड ये लेबोरेटरी है, ये है क्रिया शरीर फिजियोलॉजी की लैब, यहाँ पे फिजियो के प्रैक्टिकल्स होते हैं, खाली अभी फ़िलहाल आपको दिखा रहे हैं अच्छे से। तो आई होप आप सबने देख लिया हो कॉलेज, अभी आगे आपको कैंटीन वगैरह दिखाते चल के, तो चलिए चलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इस साइड फार्मेसी है हमारी, जहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसका टूर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा, अभी कॉलेज पे ही रहते हैं। और ये कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल है, इसके अंदर मैं जा नहीं सकता तो यहीं से। एंड कैंटीन दिखाते हैं आपको, और ये मेरे क्लासमेट इनसे मिलते हैं।
और गाइस ये है हमारे क्लास के टॉपर, हेलो बोल दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। थैंक यू। ये हॉस्पिटल है, यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ पे पेशेंट्स वगैरह हैं, अभी आपको दिखाते हैं बाद में। सबसे पहले कैंटीन, ये हमारी कैंटीन है, तो ये कैंटीन है, आपको अंदर लेके चलते हैं कैंटीन के। आकाश यार ये कैंटीन का खाना है जो बाहर से होते हैं, यहीं पे खा लेते हैं, हॉस्टल से आ जाता है यहाँ पे। आकाश बताएंगे खाना कैसा है यहाँ का? अच्छा, बैलेंस डाइट गाइस, सो अच्छा हो ना हो, मतलब यू आर हैविंग फुल न्यूट्रिएंट्स इन दिस मील जस्ट फॉर 40 रुपीज, इट्स एन अप आई गेस। कल परसों 3600 का लोन लिया है, तो अब ये भी बोल रहा था भाई को पार्टी लेनी है बर्थडे की, दिसंबर में मारा बर्थडे था, तो अब पार्टी हार चुका रहे हैं भाई का। अरे काफ़ी साफ़ सुथरी कैंटीन है और खाना भी मिल जाता है आराम से, हॉस्टल से बन के आता है, तो 40 रुपीज़ में रीज़नेबल प्राइस है और खाना भी अच्छा होता है। और ये है मिरर जिसमें हम अपनी शक्ल भी देख सकते हैं थोड़ी बहुत। तो चलिए इधर से चलते हैं और आपको मेन कॉलेज गेट भी दिखाते हैं। यहाँ से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे आपके सामने कॉलेज का गेट आ जाएगा। तो ये है कॉलेज का गेट बाहर जाने का और ये है पंचकर्मा सेंटर, इसका व्यू हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो आपको कॉलेज कैसा लगा कमेंट करके बताना, कॉलेज से रिलेटेड आपको कौन सी वीडियोस चाहिए, क्या क्या आपको जानना है वो भी कमेंट करना, या तो मुझे DM करना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।